इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर की। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लगा बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आने वाली हर वीडियो का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, सैनिक। इंडिया के पास 13,25,000 सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6,20,000। नंबर दो पे आ जाते हैं रिजर्व सैनिक। इंडिया के पास 21,43,000 सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास रिजर्व में 5,15,000 सैनिक। नंबर तीन पे आ जाते हैं फाइटर जेट। इंडिया के पास 2,086 फाइटर जेट है, जबकि पाकिस्तान के पास 923 फाइटर जेट है। नंबर चार पे आ जाते हैं हेलीकॉप्टर। इंडिया के पास 646 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 306 हेलीकॉप्टर हैं। नंबर पाँच पे आ जाता है मिलिट्री एयरपोर्ट। ये मिलिट्री एयरपोर्ट इंडिया के पास 346 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 151। नंबर छः पे आ जाते हैं टैंक। इंडिया के पास 6,464 टैंक हैं और पाकिस्तान के पास 2,924। नंबर सात, बख्तरबंद गाड़ियाँ। इंडिया के पास 6,704 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,828। नंबर आठ पे आ जाते हैं तोप। इंडिया के पास 290 तोप हैं, जबकि पाकिस्तान के पास थोड़ी सी ज़्यादा हैं लेकिन किसी काम की नहीं है, 465 हैं। नंबर नौ पे आ जाते हैं रॉकेट लॉन्चर। ये इंडिया के पास 292 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 197। नंबर दस पे आ जाते हैं नेवी के जेट, जो पानी के जहाज़ होते हैं। ये इंडिया के पास 295 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 197। नंबर 11 पे आ जाती हैं पनडुब्बियाँ। इंडिया के पास 17 पनडुब्बियाँ हैं और पाकिस्तान के पास केवल 5। नंबर 12 पे आ जाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि इंडिया के पास 2 हैं और पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं है। नंबर 13 पे आ जाते हैं परमाणु बम, जो कि इंडिया के पास 120 हैं और पाकिस्तान के पास 110 हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए आपको तो कमेंट करना।